ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधा बाई के स्थान पर हरका बाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतनी रात गया आपको यहाँ आना पड़ा? शहंशाह से मिलने के लिए हम पर वक्त की पाबंदी नहीं है। पर जब वो रात के वक्त अपनी मलिका के साथ हो, तब उनके हर लम्हे पर सिर्फ उनकी मलिका का हक होता है। जो भी बात है आप कल सुबह कर लीजिए। शहंशाह इस वक्त आराम फरमा रहे हैं। जैसे आप मुनासिब समझे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बता दिया शहंशाह को बैराम खान की करतूत के बारे में? अभी नहीं। हाय हाय, क्यों? शहंशाह के मलिका ने हमें उनसे मिलने नहीं दिया। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा से पसंद है ना रेशम? आपकी बात तो कभी कभार समझ में नहीं आती, पर इसके लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाय हाय अल्लाह, जहर? जहीर के लिए है। जहीर? जहीर को ये जहर तुम दोगी। हम? और इल्जाम आएगा बैराम खान पर। और शहंशाह तक ये बात क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मा तो बेगम रुकैया अभी अभी ले ही चुकी है। देखना ये जहर कैसे एक साथ तीन तीन चेहरे नीला करता है। जहीर, बैराम खान और बेगम रुकैया। देखना रेशम, कल की सुबह एक और नया रंग लेकर आएगी। क्या सोच रहे हो? यही कि अगर शहंशाह को इस बात का पता चल गया कि उनका वफादार जहीर अब इस दुनिया में नहीं रहा तो न जाने क्या होगा। Thank you.
सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब इसके जरिए हम पूरे जहां पर हुकूमत करेंगे। शाह के निशाने पर भरोसा नहीं? नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या है ये? पसीना। ये हमारे निशाने की तौहीन है। कहीं अगर शहंशाह का निशाना चूक गया और जान चली गई, इसी बात का खौफ है ना तुम्हें? नहीं हुजूर। भरोसा क्या होता है जानते हो तुम? ज़हीर को बुलाया जाए। भले ही उसकी आंखें निकाल ली गई हो, लेकिन उसे अब भी अपने शहंशाह पर पूरा भरोसा है। हमने कहा ज़हीर को बुलाया जाए। गुस्ताखी माफ शहंशाह, कुछ देर पहले ज़हीर का कैद खाने में इंतकाल हो गया। कैद करने का हुक्म किसने दिया? वजीर आला ने। अगर आपको यह बात पता थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? उस वक्त आप बेगम साहिबा के साथ होजरे में थे। बेगम साहिबा ने हमें आप तक पहुंचने नहीं दिया। नहीं मानते हम, नहीं कर सकती वो ऐसा। ये है वो जो कल रात हम पर फेंका गया था। हमें इस बात का गिला नहीं है, लेकिन ज़हीर की मौत का जरूर है। रुकिए बेगम को हमसे मुखातिब होने की इत्तला की जाए। उसके लिए आपको हरम जाना होगा। बेगम साहिबा है वो यहां तशरीफ नहीं लाएंगे। क्या तो उन्हें जी हुक्म है हमारा कि वो इसी वक्त यहां पेश हूं। होजरे में आने से रोकने की गुस्ताखी की? हम नहीं जानते थे कि या नहीं? जी आपकी इस गुस्ताखी ने किसी की जान ली है। अगर वक्त रहते हमें पता होता तो हम उसकी जान बचा सकते थे। जाइए यहां से।
हमने कहा जाइए यहां से। जाइए यहां से। वजीर आला को पेश किया जाए। ज़हीर को कैदखाने में डालने का फैसला क्यों लिया? आपकी उम्र जब 14 बरस की थी, उस वक्त से ये फैसले हम ही तो लेते आ रहे हैं। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमको दी थी। अपने फर्जंद की तरह पाला है आपको। हम ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो। पर क्या आपको नहीं लगता कि ज़हीर को कैद खाने में डालने का आपका यह फैसला गलत था? यकीनन नहीं। वो तमाम अवाम में अफवाह फैला रहा था कि सल्तनत दरअसल बैरम खान चला रहे हैं और शहनशाह महज उनके हाथों की कठपुतली है। अब आप ही बताइए, क्या हमारा फैसला गलत था? और रही बात ज़हीर की खुदकुशी की, तो वो उसका ज़ाती फैसला था। आपके और हमारे बीच जो शख्स जहर घोलेगा उसका तो यही हशर होगा। हमने वही किया जो वजीर सल्तनत को करना चाहिए। हैरान है हम, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। शहनशाह ने हुक्म नहीं दिया फिर भी वो चले गए, जाते वक्त सलामी देने की तहसीब भी भूल गए। अगर वो आपको दिल से शहनशाह मानते तो ऐसा कभी नहीं करते। हमारी जिंदगी में सिर्फ तीन ही लोगों की अहमियत है, खान बाबा की, रुखैया बेगम की और आपकी। हमें रुखैया और खान बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिरकार हम उन्हीं की बदौलत है। गुस्ताखी माफ हो शहनशाह, हमने और वजीर आला ने आज तक जो कुछ भी किया है वह हमारा फर्ज था, एहसान नहीं। हमारा और उनका होना आपकी ताकत बननी चाहिए, कमजोरी नहीं। शहनशाह यह ताकत बहुत सख्त होता है और उस पर बैठने वाला और भी सख्त होना चाहिए। माशाल्लाह आपकी जूतियों का नाप अब बड़ा हो गया है शहनशाह। वक्त आ गया है कि आप अपने फैसले खुद लें, अफवाहों को हकीकत बनने ना दें और आवाम को बता दें कि शहनशाह का फैसला किसी भी वजीर आला की सोच का मोहताज नहीं है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है तुमने रेशम, हम खुश हैं। ये लो, ज़हीर मारा गया और इसके मरने की वजह उसका भी पता नहीं चला। शुक्रिया, पर इस बात के लिए भी तारीफ आप ही की होनी चाहिए।
एक ही वार से कितने ही शिकार मार गिराए आज आपने। शतरंज खेलने का शौक आपको भी है, हमें इस बात का इल्म आज ही हुआ। चाल अच्छी थी, पर याद रहे अब बारी हमारी है। सियासी शतरंज में आप भी कच्ची हैं रुकैया बेगम। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप जलाल को रिझाए रखने के तौर तरीकों पर गौर करें, खुश रहेंगे आप। आपकी पंखड़ियां इतनी कम क्यों हैं? और चंदन, हवा में शहंशाह की पसंदीदा खुशबू क्यों नहीं है? जाओ जाके इन सब चीजों का इंतजाम करो। हम अपने ख्याल में इतने मशरूफ हो गए थे कि इन सब बातों को तवज्जो नहीं दी। इसलिए तो बेगमें होती हैं कि अपनी शौहर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और तुम्हारा ध्यान कहां है? जाओ जाके शहंशाह के बदन को पोंछने के लिए मखमली कपड़े का इंतजाम करो। और हाँ, साथ ही उनके खाने के लिए शाही बाग से चुने गए बेहतरीन खजूर का भी इंतजाम कीजिए। और शहंशाह के जख्म पर लगाने के लिए केसर और मलाई का लेप लेकर आइए। रुकैया, ठहरिए रुकैया बेगम, जाते जाते हमारी गुलशन को सुलझा जाएगी। जब आप हमसे खफा ही हैं, तो हम आम में हमारे गुसल की तैयारियों का जायजा लेने क्यों आई? आप सबके सामने भूल सकते हैं कि हम आपकी बेगम हैं, लेकिन हम आपके लिए आपका फर्ज कभी नहीं भूल सकते। इसीलिए ऐसी इस बेगम को ये शहंशाह अपनी गलती की माफी मांगता है। या अल्लाह, ये क्या कह दिया आपने? माफी तो हमें मांगनी चाहिए। दरअसल हम बात की गहराई को ही नहीं जान पाए, और ना ही महामंगा के रुख से हमें ऐसा लगा कि किसी की जान पे आ पड़ेगी। गुस्ताखी की माफी मांगते हुए हम एक बात की दरख्वास्त करेंगे, और हमें यकीन है कि आप हमारी ये दरख्वास्त जरूर पूरी करेंगे। फरमाइए। आज के बाद आप सबके सामने हमें बिल्कुल नहीं डांटेंगे। आपका और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं जो सबके सामने दम तोड़ दें, पर यकीनन ऐसी ही बातों से सभी को हमारे सामने सर उठाने का मौका मिल जाता है। किसकी इतनी हिम्मत जो हमारी बेगम के सामने सर उठा सके? हम जानते थे कि आज भी हम आपकी सबसे चहेती बेगम हैं, इसलिए हम सबको दिखाने के लिए यहाँ आए थे। हमें लगा आप हमारे लिए यहाँ आई। हम आपके लिए क्यों आने लगे? आपकी यही सब बातें आपको हमारी सबसे पसंदीदा बेगम बनाती हैं, और हम अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जहीर के इंतकाल ने हमें हैरान कर दिया था, हम खुद पे काबू नहीं कर पाए। और हमारी एक गलती को आपने इतना बड़ा गुनाह बना दिया। वैसे भी इन सब चीजों की वजह महामंगा है, उन्हीं की वजह से ये सब। देखिए,
हम बड़ी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुन सकते? आप इन सब लोगों को अपनी जिंदगी पर हुकूमत करने की इजाजत देते हैं। हमारी जिंदगी पर तो सिर्फ एक ही इंसान हुकूमत कर सकता है। कौन? आप। हम अपने बचपन की दोस्त से यह वादा करते हैं कि चाहे हमारी जिंदगी में कितनी ही बेगम क्यों ना आए, हमारी रुकैया बेगम का दर्जा उनसे कहीं गुना ऊपर होगा। आप जानते हैं कि दिल तो हमारे पास है नहीं, पर हमारे जहन पर सिर्फ और सिर्फ हमारी रुकैया बेगम ही राज कर सकती है, क्योंकि कभी भी कोई भी हमारी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकती।